रियासी बस टेरर अटैक से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट जो है वो इस केस में आई है। एसएसपी मोहिता शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कहा कि 50 बंदों को डिटेन किया गया है ताकि उनसे जो है वो पूछताछ की जा सके। और आपको बता दें कि कितने रोज से, चाहे मैं डोडा की बात करूं, कछुआ की बात करूं, चाहे हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियासी टेरर अटैक की, उसमें आपने देखा कि लगातार पूछताछ के लिए लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद वहां पर जो है वो स्केच भी जारी किए गए हैं। लेकिन आपने देखा कि वो हादसा बहुत बड़ा था जिसमें 9 लोग की जो है वो मौत हुई और 41 लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे, जो अलग अलग एरियाज के रहने वाले थे, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, कटरा से शिवखोड़ी गए थे। और जब वापस आ रहे थे तब आपने देखा कि आतंकवादियों ने जो है वो हमला किया और हमले में सबसे पहले ड्राइवर को निशाना बनाया और ड्राइवर पर गोलियां दागी। जब ड्राइवर जो है संतुलन खो बैठा, जब गाड़ी जो है गहरी खाई में जा गिरी, उसके बाद भी आपको बता दें कि लगातार 20 से 25 मिनट तक जो है वो उस गाड़ी पर गोलियां चलाते रहे, जिसके जवाब में 9 लोग जो है उनकी मौत हो गई। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमा है, पूरे जम्मू में हाई अलर्ट के साथ साथ अलग अलग जगहों पर जो है वो तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर उन 50 लोगों की बात करें, उन 50 लोगों को इसलिए हिरासत में लिया गया है ताकि जो लीड्स मिली है, जो अभी तक इस सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है, उस जानकारी को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, फर्दर क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी भी इस केस में कुछ कहना, इस इंसिडेंट के बारे में कुछ खुलकर कहना जो है वो अमूमन जाहिर सी बात नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल भी होती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहला जो टेरर अटैक था, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, वो तीसरे टर्नओवर के लिए यानी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ ले रहे थे, उनके साथ तमाम कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसी वक्त जो है वो एक हादसा होता है। और वो हादसा था शिवखोड़ी से आ रही श्रद्धालुओं की गाड़ी पर जो है वो आतंकवादी हमला होता है। तकरीबन कुछ देर तक अभी उस हमले को जो है खंगाला ही जा रहा होता है, तो एक खबर आती है कि कछुआ के एक घर पर जो है वो कुछ खाने का सामान और पीने के पानी के लिए जो है वो आतंकवादी वहां पर पहुंचते हैं और उनसे ये फरमाइश करते हैं, जिसमें उनसे ये पूछा जाता है कि आप है कौन, हम आपको ये चीजें प्रोवाइड क्यों करें। फिर वहां पर एक तलाशी अभियान चलाया जाता है और वहां पर 2 आतंकवादियों को मारा जाता है, जिसके जवाब में एक सीआरपीएफ जो है वो शहीद भी होते हैं। और उसी के बाद आपको बता दें कि ठीक है, शाम को इंसिडेंट होता है यहाँ पर, और डोडा में जो है, डोडा के एरिया में भी जो है एक पुलिस पार्टी के जिस तरह चेक पोस्ट पर जो है वो हमला होता है। और फिलहाल के लिए आपको बता दें कि अभी भी डोडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन नौशहरा में चल रहा था। कल जम्मू से जो खबर आई थी उसके बारे में एक पुलिस ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई सस्पिशियस मूवमेंट यहां पर नहीं देखी गई है, और अगर लेडी की माने तो शायद वो लेडी जो है वो रूमर फैलाने की कोशिश कर रही है। उस लेडी को भी पुलिस ने जो है हिरासत में लिया था और उससे पूछताछ जो है वो जारी है कि किसके कहने पर उसने ये रूमर फैलाया। लेकिन अभी आपको बता दें कि यहां पर यानी रियासी मामले को लेकर 50 लोगों को डिटेन किया गया है ताकि एक बड़ी इन्फॉर्मेशन जारी हो सके और कुछ बड़ा जो है वो हाथ लग सके। फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इन 50 लोगों से डे टू डे जो है रूटीन पूछताछ जो है वो जारी है।